हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं कपिल शर्मा शो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आप बाल बढ़ा लो अपने सारी जगह के छाती से लेकर एवरीथिंग। तो वो एक स्प्रे मिलता ना, जब लोग इधर लगाते हैं जब बाल झड़ रहे होते हैं, मैं इधर लगा रहा था। तो एक कान का शॉट है उसमें, ट्रेलर में अगर आप देखोगे गौर से, उसके कान से हिलते हैं क्योंकि उसको सुनाई देता है ऊंचा नीचा सब। तो वहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। हम लोग ने भेड़िया की शूटिंग अरुणाचल में जीरो में रियल फॉरेस्ट में की है। रियल फॉरेस्ट, लाइक लिटरली रियल फॉरेस्ट, रात के 2-3 बजे। लीच इन्फेस्टेड फॉरेस्ट। लीच इन्फेस्टेड, लीच लीच सॉक्स पहली बार मिली थी। वाओ, क्या से बारिश हो रही थी। लीच जोक जोक बोलते हैं ना, जो लीच क्या होता है कि लीच सॉक्स क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं। लीच बॉर्डर एरिया के किसी गांव में ना डिस्को खुल गया है।
लेकिन हम सारे तो अंग्रेजी गाने गाते थे तो एक अंदर थी मतलब संगीत की कोई भाषा नहीं है ना, तो गुनगुनाते थे डांस भी आता था यार, काम बोलने नहीं रह जाते तो गाएंगे भाई अंग्रेजी में गाएंगे तो भाई से मैं शर्मा रहता नहीं यार ऐसे मत करो, तो मजाक था बट अभी ऐसी हेजिटेशन हटती है तो थैंक यू वरुण भाई का जनता के सामने पहुंचा दिए बट इन्होंने आपको बचाया था वहां पे इन्होंने, क्योंकि क्या हो गया था जब अरुणाचल पे हम लोग गए थे तो एक पार्टी रखी थी जो सीएम है वहां के, सुपर मतलब मुझे बहुत अच्छा वो भी गाता है, बहुत अच्छा गाता है, हमको लगता है चलो ठीक है पॉलिटिशियन है क्या करेंगे, अरे उन्होंने हर इंसान जो वो कैबिनेट में थे हर इंसान गायक है, पहले हमने गाना पहले इन्होंने गाया इतना बेसुरा पहले हम लोग गा रहे थे उसके बाद उन्होंने ले लिया माइक और उसके बाद उन्होंने गाया हम लोग कोने में हो गए थे, हमने कहा भाई इन्होंने हमारी जान बचाई इंग्लिश गाना गा के फ्लिप कर दिया और हम लोग पता कौन सा गाना गा रहे थे, कौन सा दो दिल मेरे मगर छुपके छुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है इंग्लिश नहीं आती लेकिन इंग्लिश गाने गाने हम भी जब नए नए बॉम्बे आए ना इंग्लिश फिल्मों की बात हमारे तो क्या बॉर्डर एरिया से हम आए है ना, वहां तो गोली गोली चल जाती थी, घर भी कभी कभी खुलता था दुकानें तो क्या ही खुलेंगी, यहाँ पे आके तो जिसको भी देखा हैव यू सीन दैट मूवी, और लड़कियां खासतौर पर बड़ा पार्टिसिपेट करती है ऐसी बातों में, हम फंस जाते थे हम तो जब वो 15-16 फिल्मों के नाम लेती थी हम भी बोलते थे इवन टाइटैनिक वाज वेरी नाइस, कोई इंग्लिश गाना चल रहा है लड़कियां लिरिक्स बोलने लगती हैं है ना, तो लड़के बेचारे देख लेते मेरे को पता नहीं आपको देख के क्यों लगता है भाई, आप दोनों को देख के आप दोनों मेरे जैसे मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आपने पैसे शेयर करके वीसीआर जरूर देखा होगा कभी, कैसे दस दस रुपए डाल के वीसीआर जरूर लगवाया होगा बहुत भाई, मतलब हमारे यहाँ क्या होता बुक कराते थे ना तो वहाँ पे कंपटीशन होता था जिस कैंपस में हम रहते थे लोकैलिटी में, अच्छा भाई ये बंदा अमिताभ का फैन है तो इन्होंने अमिताभ की 30 फिल्में देखनी है, अच्छा 30 फिल्में मतलब 6 दिन लगातार छुट्टियां पड़ गई है, और वो वीसीआर आता था स्कूटर पे और इतनी सारी कैसेटों को, और भाई उस आदमी का जो रुतबा होता था उसके घर वालों से जो रिस्पेक्ट से बात कर, और पिंटू क्या है हाथ लगा रहे कितने बजे लगा रहे, अच्छा ये पहले कौन सी लगा रहे, अच्छा 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 मैं देख सकता हूँ जब बुला रहे, तो पूरा मोहल्ला उनसे दोस्ती कर लेता तो ये वीसीआर और वो जो था बड़ी बात थी उसमें सर बहुत बड़ी, तो सबका कोई मिथुन दा का फैन था, कोई अमिताभ सर का, कोई और किसी का, तो मतलब वो लगते थे तो ऐसे घर में वीसीआर लगता था ना तो दूसरे बच्चों से अपना वो बरामदा साफ करवा लेते थे, तू बेटा पानी पर रहोगे यहाँ पे गर्मी ठंडा हो जाएगा, अच्छा फिर सारी रात फिल्में देखनी, सुबह 4 बजे पता नहीं क्या आता था दिमाग में, बड़े बड़े लड़के छोटे छोटे लड़कों को भगा देते थे तुम लोग जाओ अभी वरुण को नहीं पता इनके घर में खुद का वीसीआर था ना, तो वरुण कहता क्यों बड़े लोगों की फिल्म बोल के सब बच्चे ने इधर मुंह कर लेते थे चैलेंजिंग रोल करते हैं, ज्यादातर इनका चैलेंज यही रहता है करेक्टर का कि पैसा कैसे कमाएं ना, हमारे जैसे गरीब करेक्टर का रोल होता है, आपको क्या लगता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्यों लगता है कि ये आदमी उधार ले तो सकता है दे नहीं सकता जो होते ना कि बड़े डाउन टू अर्थ करेक्टर जो होते हैं, कभी आपने किसी अमीर बिजनेसमैन का नहीं किया जिसकी अपनी एयरलाइंस हो, ऐसा कोई करेक्टर नहीं आपने किया, मिला ही नहीं तो ऐसी तो करनी है बात यह है कि इंडस्ट्री ने आप पे वो यकीन नहीं जताया, आपको कई बार खुद जताना पड़ता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ,
जैसे ये गाने वाला अंग्रेजी में जो गाना गाया है ये मैं खुद ही कॉम्प्लेक्स था, मैं नहीं गा सकता था, कभी सोच भी नहीं सकता था। वरुण भाई ने इतना वो मुझे सपोर्ट किया इस बात को लेके, मजाक मजाक में, और मैंने गा भी दिया यार। आपने बड़ा अच्छा गाया। हाँ तो वही, ये तो भाई खुश रहे। तो ऐसे ही मनोबल जब आप उठाते रहते हो किसी का भी, हल्का सा भी कोई हुनर है, उसकी जरूरत है, कदर की जरूरत है। कदर की जरूरत। मुझे पता, लैला और लैला पे आप डांस भी बड़ा अच्छा कर सकते हैं। ये जो स्टिग्मा है कॉमेडी को लेके, मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे देश में, और कई हद तक आपने ये स्टिग्मा को तोड़ा है, क्योंकि हमारे देश में लोगों को लगता है कि जो इंसान, जो व्यक्ति कॉमेडी ही करता है, कॉमेडी करता है, वो बेवकूफ है या असल जिंदगी में ही ऐसा है। एक्चुअली कॉमेडी वो लोग करते हैं जो बहुत चतुर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग ही कॉमेडी कर पाते हैं। जो बेवकूफ होता है वो कॉमेडी कर नहीं पाएगा। प्योर हिंदी से वरुण कपूर से वाले सिर्फ चतुर होते हैं। प्रमोशंस में निकलती है इतनी प्योर हिंदी है सर। सर अच्छा बोलता है नहीं 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 हम लोग मतलब ये बट हम लोग ने बात की थी, ये इनका असर सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। नहीं वो हिंदी में बात करने के चक्कर में शुद्ध हिंदी निकल। हाँ क्योंकि ये इन्होंने बोला था कि शायद आप मेरे सेट पे सिर्फ हिंदी बोली जाती है, सिर्फ हिंदी तो नहीं बोला, गाली भी हिंदी, क्योंकि आप ऐसे भी करते हो हिंदी में काफी गाली। आप एक क्लिप हुआ है भाई ने गाली दे दी है, गाली दे दी है, नॉट एट ऑल वायरल हुआ है इनका क्लिप, गाली दे दी अपने, मेरी इमेज खराब मत करो तुम। पेंटर्स तो कॉमेडी करना आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टू राइट आल्सो। थैंक यू वरुण, आपने हमारे दर्द को समझा। बिल्कुल यार, एक जब भी एक्टर आते हैं ना उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और उनको ही पता होता है कि इनको कैसे किस तरह एक मैनेज करना होता है और किस तरह कहाँ से बात एक घुमा के लानी होती है। लेकिन जो सर ने एक सॉन्ग सुनाया है ना यार, बहुत प्यारी सर की आवाज़ है, बहुत प्यारी। जब पीछे से म्यूज़िक चला फिर उन्होंने इंग्लिश गाना गाया तो तब कपिल देखते हैं उनकी मूवी तरह के कहीं ना ख़त्म हो तो मैं बात बोलूँ, बोलते हैं बॉर्डर पर जो गांव होते हैं ना वहाँ पर इंग्लिश गाना लगा दिया यार, कमाल है उनकी बात। नहीं ऐसे ही, अब देखो ना जब जब भी एक मूवी शूट करते हैं ना तो काफ़ी एक टाइम लग जाता है। हमने तो भाई एक, हमें तो मूवी मिलती है जब पूरी कंप्लीट हो जाए दो घंटे एक ढाई घंटे की, लेकिन इनका भाई एक महीनों में काम होता है, 6 महीने 7 महीने, तो उसके लिए वो एक प्लानिंग भी करते हैं, चाहे एक वो बता नहीं रहते कि बाल बड़े करने सारा कुछ, तो ये इनका पीछे एक बैकग्राउंड में ये चीज़ें बहुत चलती रहती है। और साथ फिर ऐसे तो भाई टाइम नहीं ना एक होता है एक बीता के एक शूटिंग ही चलती रहे, ये सब कुछ करते हैं बीच में, पार्टी वगैरह भी होती है, एक हर चीज़, एक घर भी आते हैं, रेस्ट भी करते हैं, मिलना जुलना भी, फिर शूटिंग पर चले जाते हैं, तो ये इनका एक चलता रहता है सीन भाई, 6-7 महीने में तो शूटिंग होती है इनकी कंप्लीट है। लेकिन जब सारी मूवी शूट कर कुर कर भाई इधर आते हैं ना शो पर, तब देखने वाला होता है कि क्या क्या इन्होंने एक उधर किया है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई जो बात उन्होंने सुनाई है ना VCR वाली, वो एक वाकई एक ठीक बात है। उसमें ऐसे ही होता है जब 4 बजते हैं ना तो बच्चों को निकाल देते हैं कि आप चले जाएं, बड़ों की जो फिल्म है ना वो शुरू होने वाली। खैर हमने तो कभी नहीं देखी, हमें भी निकाल देते थे जब एक लेके आते थे ना जो 2-4 दोस्त। लेकिन ये कि उससे हट के अगर देखा जाए तो भाई एक कपल जो एक जोक लगाता है ना एक पॉइंट के ऊपर, वो बड़ा मज़ेदार होता है। आज भी 2-3 लगाए हैं लेकिन मज़ा आ गया। नहीं वो सही जोक लगाई थी जो बोला था, दोनों ही क्या होते हैं स्टार्ट में वाला ये बात होती है ना बाद में उसने पूछा भी आ गया नहीं। ज्यादातर यही होता है ना कि लोग मतलब कि दो चीजें बताते हैं, एक का नाम याद होता है अगले बंदे को या एक ईजी बताते हैं, लेकिन बोला कि दोनों ही क्या होते हैं दोनों ही बता दो।
तब एक बात सही, उन्होंने आगे से बताने वाले ने भी घुमाई कच्चे है। बड़े थे तब वो बिल्कुल यार। बाकी एक अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।